बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंट पब्लिक हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज सिस्टम ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। वीक 4 डे 2 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक सिल्क एंड प्रिपेयर्ड बाय मिस फरजाना फैसल। यस, टुडेज टॉपिक इज सिल्क। सिल्क फाइबर इज आल्सो एन एनिमल फाइबर। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है वूल को, वूल भी हमें एनिमल से हम लोग हासिल करते हैं, इसी तरह सिल्क फाइबर इज आल्सो एन एनिमल फाइबर। सिल्क इज़ वन ऑफ द हाईली प्राइज फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स लस्टर, शाइनिंग लस्टर। बहुत ज़्यादा ये शाइन कर रहा होता है सिल्क का जो फैब्रिक्स होता है, और ये बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस भी जो है ज़्यादा होती है। इट इज़ अ गुड फैब्रिक फॉर बोथ विंटर्स एंड समर्स ड्यू टू इट्स हीट रेजिस्टेंट नेचर। समर में भी यूज़ होता है ये, और विंटर में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये जो है इसकी जो सरफेस है वो हीट को रेजिस्ट करती है। Now let's discuss the life cycle of silkworm. The female silk moth lays eggs in groups. Female जो silk moth होती है वो groups में जो है egg lays करती है on leaves. The eggs develop into silkworm. जो eggs होते हैं वो silkworm में develop होते हैं, called larva और caterpillar. उसे क्या कहते हैं? Larva और caterpillar. The silkworm eats large amount of leaves for 20 to 30 days. And molts through 4 changes of their skin. 20 to 30 days तक वो फीड करते हैं जो लीव्स हैं, और उसके बाद उनकी स्किन में जो 4 स्टेजेस चेंजेस आते हैं बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज। इट स्पिन्स अ सॉलिड कोकून, स्पिन्स होते हैं उसमें सॉलिड कोकून में चेंज हो जाते हैं अराउंड इट्स बॉडी एंड चेंज टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज प्यूपा इनसाइड द कोकून। द कोकून टेक्स अबाउट 3 डेज टू बी फुली कम्प्लीट। कोकून जो है 3 डेज लेता है फुली कम्प्लीट होने में। द कोकून टेक्स अबाउट 3 डेज। ओके, द कोकून इज़ मेड ऑफ अ फाइबर विच चेंज टू सिल्क ऑन एक्सपोजर टू एयर। अब जो कोकून है वो क्या होता है, वो बेसिकली फाइबर होता है। वो जब एयर से एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर टू एयर होता है, मतलब एयर से जब उस फेस करता है एयर को, तो वो सिल्क में चेंज हो जाता है। The pupa emerges from the cocoon as a silk moth. In cultivated silk, the larva is killed inside the cocoon. जो larva होता है cocoon के अंदर वो ख़त्म हो जाता है, killed हो जाता है। In order to extract the silk from cocoon, the male and female moths again mate and the female moth lays egg. The moths die immediately after laying egg. अब जो इसका female moth होता है वो एग लेइंग के बाद इमिजिएटली उसकी डेथ हो जाती है। इन नेचर दिस लाइफ साइकिल अकर्स वंस अ ईयर, बट अंडर एक्सपेरिमेंटल सेटअप इट कैन अकर अप टू 3 इन अ ईयर। अब इसको एक एक्सपेरिमेंटल जो आर्टिफिशियली करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये 2 या 3 टाइम 1 ईयर हो सकता है। वैसे अगर नेचर में ही हम बात करें तो ये जस्ट वंस अ ईयर होता है, ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। द रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मीन्स द रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क को जो हम लोग जब प्रोड्यूस करवाने के लिए जो रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को जब हम बढ़ाते हैं तो दैट इज सेरीकल्चर। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। देयर आर मैनी स्पीशीज ऑफ सिल्क वॉर्म दैट कैन प्रोड्यूस सिल्क, बट अमंग दैम बॉम्बेक्स मोरी इज द मोस्ट वाइडली यूज। जो ज़्यादातर सिल्क वॉर्म यूज़ होता है दैट इज़ बॉम्बेक्स मोरी। द सिल्क इज़ अ कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रोइन एंड अ गम कॉल्ड सेरिसिन। फाइब्रोइन प्रेपर्स द सिल्क फिलामेंट एंड सेरिसिन सीमेंट्स द टू फिलामेंट टुगेदर। द सेरिसिन इज़ रिमूव्ड बाय प्लेसिंग द कोकून इन हॉट वाटर। जब उसे कोकून को हॉट वाटर में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, रिमूव हो जाता है सेरिसिन, जो चिपचिपा उसमें होता है एक मैटर होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है हॉट वाटर में रखने से। दिस प्रोसेस फ्रीज सिल्क फिलामेंट एंड प्रेपर्स डैम फॉर रीलिंग। यहाँ पे जो फिलामेंट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और रीलिंग के लिए रेडी होते हैं। द स्टेजेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन आर गिवन बिलो। नाउ लेट्स डिस्कस द स्टेजेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिल्क मोथ बॉम्बेक्स मोरी लेज एग्स ऑन मलबेरी ट्री। मलबेरी ट्री जो होता है उस पर ये जो होती है बॉम्बेक्स मोरी उस पर एग लेस करती है एंड द एग हैच इनटू कैटरपिलर सिल्क फॉर्म। उसमें कैटरपिलर में चेंज हो जाते हैं एग्स। दे आर फेड चॉप मलबेरी लीव फॉर 20 to 25 days। अब जो वो लार्वा या कैटरपिलर होता है 20 to 25 days तक फीड करता है मलबेरी लीव्स एंड देन व्हेन द सिल्क फॉर्म आर अबाउट 25 days old
they become 10,000 time heavier than their first stage. जो इनका first stage होता है caterpillar की form में ये होते हैं, उस वक्त से लेके 25 days तक जब ये मलबेरी leaves खाते हैं तो ये 10,000 टाइम हैवियर हो जाते हैं उस वक्त से. दे आर नाउ रेडी टू स्पिन अ सिल्क कोकून. अब वो रेडी होते हैं कि वो स्पिन करें अ सिल्क कोकून. सिल्क इज प्रोड्यूस फ्राम द सिल्क फॉर्म्स हेड एंड देन फोर्स आउट इन लिक्विड फ्राम थ्रू ओपनिंग कॉल्ड स्पिनरेट्स. नाउ यू आर लुकिंग द डायग्राम ऑफ स्पिनरेट. हेयर सिल्क इज प्रोड्यूस फ्राम द सिल्क फॉर्म एंड हेड एंड देन फोर्स आउट इन द लिक्विड फॉर्म. मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है जब उसके हेड से प्रोड्यूस होता है. उसको कहाँ किया जाता है, थ्रू ओपनिंग कॉल्ड. यहाँ से इस स्पिनरेट से उसे पास किया जाता है. द सिल्क सॉलिडिफाइज वन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर. जब यहाँ इन होल्स में से बाहर आता है सिल्क और एयर के साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है तो वो सॉलिडिफाई सिल्क बन जाता है. द सिल्क वर्म कम्प्लीट इट्स कोकून विच इज़ अबाउट 4 centimeter लॉन्ग इन अबाउट 5 days बाय प्रोड्यूसिंग 600 to 1200 meter ऑफ सिल्क फिलामेंट. द कोकून्स आर देन पुट इन हॉट वाटर विच किल्स द वर्म एज वेल एज लूजन्स द फिलामेंट. जब कोकून को हॉट वाटर में रखा जाता है तो उसमें से वॉर्म्स किल हो जाते हैं और फिलामेंट जो होता है वो लूज हो जाता है इसमें से. सम कोकून आर प्रिजर्व टू गेट सिल्क वर्म दैट आर यूज लेटर फॉर ब्रीडिंग. उसमें से कुछ कोकून्स को रख लिया जाता है ताकि उनको ख़त्म ना किया जाए, सिल्क वर्म्स को, उनकी नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए, सिल्क प्रोडक्शन के लिए उन्हें रखा जाता है. वन कोकून कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 1,000 yards ऑफ सिल्क फिलामेंट. एक जो कोकून होता है 1,000 yards ऑफ सिल्क फिलामेंट प्रोड्यूस करता है. द सिल्क एट दिस स्टेज इज नॉन एज रॉ सिल्क. उस वक्त वो रॉ सिल्क होती है. द फिलामेंट फॉर्म सेवरल कोकून आर रील्ड ऑफ टुगेदर टू प्रिपेयर अ कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग थ्रेड. फ्लामेंट को उसको रील ऑफ किया जाता है और वो एक कंटिन्यूस थ्रेड बन जाता है सिल्क का. जस्ट वन थ्रेड कंसिस्ट ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फ्लामेंट. फाइनली द थ्रेड आर ड्राइड एंड रॉ सिल्क इज रील्ड एंड पैक्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी. ना ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है. मलबरी टीज मलबरी लीव्स हैं जो कि जिसपे ये एग जो हैं लेस करती हैं बॉम्बेक्स मैरी. एंड देन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सिल्क फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो सिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, बल्कि सिल्क प्रोड्यूस करते हैं. नाउ ट्रेज वेयर सिल्क फॉर्म्स आर रेज. यहाँ पे जहाँ पे वो ये वो जगह है जहाँ पे सिल्क फॉर्म जो हैं रेज होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क फाइबर. सिल्क हैज़ मैनी क्वालिटीज दैट सेट इन इट पार्ट फ्राम अदर फाइबर. सिल्क इज लस्ट्रियस एंड डाइज वेल. सिल्क में बहुत सी क्वालिटी होती हैं. एक तो ये बहुत शाइनिंग होता है और ये ईजीली डाई हो जाता है. देयर फोर एनी कलर ऑन सिल्क फाइबर टेक ऑन अ ब्राइट स्पार्कल एज सिल्क. सिल्क कैन अब्जॉर्ब मॉइस्चर. सिल्क के मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है और कोई भी कलर में डाई हो सकता है. वी फील कम्फर्टेबल वेयरिंग सिल्क ड्रेसेस. सिल्क इज नॉट अफेक्टेड बाई वाटर. सिल्क पर वाटर इफेक्ट नहीं करता. ऑल्दो डिटर्जेंट्स एंड परस्पायरेशन कैन ब्रेक डाउन इट्स फाइबर. ज़्यादा जो हार्ड डिटर्जेंट होते हैं वो यूज़ करने से उसके फाइबर ख़राब हो जाते हैं. सिल्क गारमेंट्स गिव अस वॉर्म विदाउट वेट. एक तो इनका वेट नहीं होता लेकिन फिर भी ये हमें वॉर्म फील करते हैं हम ये पहन के. देयरफॉर दे कैन बी वॉर्न बोथ इन समर एंड इन विंटर. यही वजह है कि सर्दियों और गर्मियों में दोनों में सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है. सिल्क थ्रेड्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन वायर्स ऑफ द सेम डायमीटर. स्ट्रॉन्ग होते हैं इसके थ्रेड. एज सिल्क इज रेजिस्टेंट टू मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट इट कैन बी प्रिजर्व इंटैक्ट ऑफ फॉर ईयर्स. इसे प्रिजर्व किया जा सकता है काफ़ी सालों तक. मोर ओवर बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक नेचर सिल्क कैन बी कम्बाइंड एंड नीटेड विद अदर फाइबर्स लाइक वूल टू प्रेपर ब्यूटिफुल गारमेंट्स. अब सिल्क को वूल के साथ या दूसरे फाइबर्स के साथ कम्बाइंड करके भी उसे बुना जाता है, बुनाई के काम आता है, नीटेड किया जाता है दूसरे गारमेंट्स के लिए. और नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट हेल्थ हजार्ड्स इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्री. अब ये जो हेल्थ हजार्ड्स भी हैं इनमें जब सिल्क और वूल बनती है इंडस्ट्रीज़ में. Then many people earn their livelihood from wool and silk industries. अब जो लोग वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं उनकी लाइफ का जो है
जो प्रोसेस सॉरी जो उनकी एक किस्म की जॉब होती है वो, लेकिन उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दीज इंडस्ट्रीज गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाई मैनी हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिजीज। सम ऑफ द सीरियस वन आर डिस्कस्ड हियर बिलो। नंबर वन, सॉर्टर्स जॉब इन वूल इंडस्ट्री इज़ अ रिस्की एज सम टाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाई अ बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बैक्टीरियम है उससे ही इन्फेक्टेड हो सकते हैं, विच कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। ठीक है, उसमें फैटल ब्लड डिजीज उन्हें हो सकती है। नंबर टू, द वर्कर्स हु डिप द कोकोन इन बॉइलिंग वाटर टू एक्सट्रैक्ट सिल्क स्टैंड इन वाटर फॉर लॉन्ग आवर्स। अब हॉट वाटर में जब कोकून को डालते हैं सिल्क वर्म को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए, तो जो वर्कर होता है जो ये काम कर रहा होता है उसे काफ़ी घंटों के लिए हॉट वाटर में खड़ा रहना पड़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर स्किन बिकम्स रॉ एंड ब्लिस्टर्ड। ठीक है, उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। द स्किन इंडस्ट्री वर्कर्स इनहेल वेपर राइजिंग फ्रॉम कोकून इन बॉइलिंग वाटर। जब बॉइलिंग वाटर में कोकून को डाला जाता है, हॉट वाटर में होता है, तो उसके वेपर्स होते हैं जो कि वो इनहेल कर रहे होते हैं। ऑल्सो ड्यूरिंग रीलिंग लॉट ऑफ फाइबर एंड अदर थिंग्स आर इनहेल्ड बाई देम। जब फाइबर को रील किया जाता है तो भी वो उसमें से डस्ट सी उसमें से निकलती है, फाइबर का जो भी पॉल्यूशन वो भी होती है वो सारी इनहेल करते हैं। दिस रिजल्ट इन हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइल, एलर्जीज एंड ऐलमेंट। जितनी भी डिजीज़ हैं इस लाइक एलर्जी होती है या अस्थमा होता है, तो इस तरह की जब वो चीज़ें इनहेल करते हैं थ्रेड का जो होता है फाइबर का, तो भी उससे कॉज होती हैं। द हैंडलिंग ऑफ डेड सिल्क वर्म विद बेयर हैंड लीड्स टू वेरियस इन्फेक्शन एंड इलनेस। जब अपने हाथों से वो सिल्क वर्म को, जो डेड सिल्क वर्म होते हैं उनको कैरी करते हैं, तो भी वो काफ़ी इन्फेक्शन डिजीज़ में हो सकती हैं, मुब्तला हो सकते हैं। द वर्कर्स इन वीविंग इंडस्ट्री आर एक्सपोज टू नॉइस मेड बाय स्पिनिंग एंड वाइंडिंग मशीन एंड लूम्स। जब वो उसकी रीलिंग होती है तो उसमें से मशीनरी के ज़रिए होती है स्पिनिंग एंड वाइंडिंग, तो उसकी जो बहुत नॉइस होता है जिसकी वजह से वो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होती है। दिस रिजल्ट इन हेयरिंग डेफिशेंसीज, जिसकी वजह से उनके सुनने की जो हिस है, हेयरिंग डेफिशिएंसीज जो होती है वो कम हो जाती है। वर्किंग इन पुअरली वेंटिलेटेड डैम्प रूम्स कॉजेज वेरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जब वो बिल्कुल बंद रूम्स होते हैं, कोई वेंटिलेशन वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पर उनकी उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल्दो रिसर्च वर्क आर कैरिड ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डेवलप सिल्क एंड वूल इंडस्ट्रीज, very little has been done to improve the working condition of the laborers of these industries. अब जो है रिसर्च पे हो रही है इस पर कि जो इसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, इंडस्ट्रीज़ को, इन वर्कआउट्स को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन उस पर बहुत कम काम हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। द हेल्थ प्रोफेशनल्स शुड फाइंड आउट द पॉसिबल मीन्स इन दिस रिगार्ड। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन्हें एक पॉसिबल मीन जो होता है, उन्हें पॉसिबल जो एक होता है वे वो उन्हें फाइंड आउट करना है, मींस उन्हें एक इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। दैट इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। थैंक यू।